watch me on the वो देखा आपने ये वीडियोस अब मैं इंस्टा पर अपलोड किया था तो बहुत सारे भाई लोगों ने मुझे कमेंट किया भाई आप एक कैसे किया। तो इस वीडियो को आपको शूट करने के लिए क्या करना है, आपका जो कैमरा सेट होगा वो एक जगह पर सेट कर लेना है। अगर आपके पास स्टैम है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, स्टैम पर अपना कैमरा को सेट करना है। सेट करने के बाद आपको एक ही जगह पर आपको दो पॉज करना है। पहले पॉज आपको बाइक पर बैठ जाना है, बैठने के बाद आपको लुक पीछे करना है, करने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि आप पीछे वाला बंदे को देख रहे हो। फिर से आपको उतरने के बाद अपना कपड़ा चेंज कर लेना है। अगर आप कपड़ा चेंज करोगे तो थोड़ा अलग लगेगा, अच्छा लगेगा, सेम एक जैसा नहीं लगेगा। तो आपको कपड़ा चेंज करने के बाद पीछे से धक्का लगाना है, और धक्का लगाने के बाद एक बात ध्यान रखना है, आपका जो फेस का एक्सप्रेशन वो धक्का लगा रहे हो जोर से ऐसा लगना चाहिए। तो कैमरा सेट हो गया, इस तरह से आपको फोटो क्लिक करना है एंड फोटो शूट करना है। और जो एडिटिंग प्रोसेस है वो फोन में देखते हैं किस तरह से करना है। तेरा फोटो तो आपको पहले क्या करना है, फोटो को शेयर कर लेना है स्नैपशॉट पर। तो शेयर कर लेता हो तो स्नैपशॉट पर शेयर हो चुका है। तो आपको फर्स्ट करना क्या है, पेंसिल जो दिख रहा है आपको पेंसिल पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको जो डाउल एक्सपोजर दिख रहा है तो डाउल एक्सपोजर पर ओपन कर देना है। तो इधर दिख रहा है ऐड फोटो, तो ऐड फोटो पर क्लिक करना है। तो गाइस फोटो ऐड हो चुका है, आपको दिख रहा है शायद, आप देख सकते हो ओपेसिटी कम है, 50 है। ओपेसिटी फुल कर दोगे तो आपका फ़ोटो फुल ही हो जाएगा, और आपका हिसाब से रखना है ओपेसिटी जितने में आपको दिखता है। तो मैं इतना रख के इसको सेट करता हूँ। अब जब भी फ़ोटो, मेन बात, अब जब भी फ़ोटो ऐड करोगे तो उसी हिसाब से फ़ोटो ऐड होगा पहले वाला फ़ोटो से, इसीलिए उसको जूम भी नहीं करना और जूम कम भी नहीं करना। तो उसी के हिसाब से बस इसको सेट कर देना है। तो जो धक्का लगाते टाइम जो हाथ जो मैं बाइक पर पकड़ा था पीछे, उस जगह बस सेट करना है, और बाकी जगह जैसा भी हो बस चलेगा। तो मैं सेट करता हूँ। तो गाइस सेट हो चुका है। तो अभी क्या करूँगा, ओपेसिटी को 100 कर दूँगा। 100 करने के बाद डन, और आपको ड्रॉ पर क्लिक करना है। जो ड्रॉ दिख रहा है आपको ड्रॉ पर क्लिक करना है। करने के बाद व्यू एडिट्स, फिर से आपको डबल एक्सपोजर और ब्रश। करने के बाद आपको डबल एक्सपोजर 100 रखोगे तो ब्रश होगा, और 0 रखेंगे तो इरेज होगा। तो 100 रखने के बाद ब्रश कर देता हूँ। तो आपको इस तरह से ब्रश करना है, बस जगह करना है आपको। अच्छी तरह से मैच नहीं होता तो थोड़ा कट कर देता हूँ। फोटो बन चुका है, तो इसको कर देता हूँ डन, इस पर क्लिक करता हूँ। तो गाइस देख सकते हो बहुत ही इजी तरीके से फोटो डाउल कर दिया। तो इसको शेयर कर लेता हूँ लाइटरूम में। अगर आपको लाइटरूम वाला एडिटिंग करना है तो बहुत सारी मैंने वीडियो पहले डाल चुका हूँ, उसमें कोई भी एक वीडियो देखकर आप एडिटिंग कर सकते हो, बैकग्राउंड एडिटिंग रिटच कर सकते हो। तो इसको पहले मैं लाइटरूम में शेयर कर लेता हूँ। तो लाइटरूम ओपन हो चुका है, ये फोटो मैंने पहले ही लाइटरूम में थोड़ा बहुत एडिट कर चुका हूँ। तो आपको भी सेम इसी तरह से करना है। तो आपको करना क्या है, पहले ऑटो कर लेना है, ऑटो तो दिख रहा है आपको। तो उसके बाद आपको लाइट्स पर जाना है। लाइट्स पर जाने के बाद ये रहा सेटिंग, तो आप जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट कर लो, बहुत ही आसान होगा स्क्रीन शॉट करने पर। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कलर, तो कलर देख सकते हो मिक्स कलर, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, एको, ब्लू। तो गया कलर गया। तो गाइस सब जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट कर लो, इधर कुछ भी नहीं है, बिगनेट पर है और क्लैरिटी डिटेल।
तो गाइस लाइटरूम में स्क्रीनशॉट करने के बाद तो अपने आप कर लेना, बहुत ही आसान होगा उस तरह से भी। तो मिलते हैं ऐसे और एक वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना गाइस। तो मिलते हैं।